कोर्ट आई है, केसों की तफसील के बारे में तो बता दें थोड़ा। आज हमने जो पिटीशन दायर की थी बच्चों की मीटिंग के हवाले से, बेटियों के हवाले से, कि उनको एक अप्रोप्रिएट जगह पे और माहौल पे मिलवाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब भी हम जेल जाते हैं तो हम अंडर सर्वेलेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जहाँ हमारी मीटिंग हो रही होती है वो एक हॉल होता है, बीच में टेबल होती है और फिर उसके इर्द गिर्द हमारे 3-4 पुलिस ऑफिसर्स हमारे सर पे खड़े होते हैं, जो कि वहाँ पे हमें बिल्कुल भी एक बेटियों के लिए भी ये सही नहीं है कि उस जहाँ पे मुलाकात हो रही होती है आपके सर पे पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं और आप वहाँ पे सुपरवाइज हो रहे हैं या ऑब्ज़र्व हो रहे हैं कि किस किस्म की आपकी मुलाकात हो रही है। मुलाकात हमारी हफ्ते में एक दिन कराई जा रही है, लेकिन वो जिस तरीके से कराई जा रही है वो आपके सामने है सारा, तो उसके ऊपर जज साहिबा ने उनको कहा है कि आप अपने कमेंट्स जमा कराइए कि आप किस तरह मुलाकात करवा रहे हैं, और मीनवाइल उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है कि जी इनको अप्रोप्रिएट जो भी एज़ पर लॉ है इनको इनकी बेटियों को फैसिलिटेट किया जाए और उनको मिलवाया जाए जब तक उनके कमेंट्स नहीं आते। तो अब हम डेट इन ऑफिस हुई, अब देखते हैं कि डेट अगले हफ्ते की या इसी वीक की डलती है। मैडम ये बताइए कि आप अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से दरख्वास्त दायर करती है, ग्रेड सी बी जो भी है वो क्लास के हवाले से दर्ज करती है, अब तक फवाद चौधरी की जमानतों के हवाले से कोई दरख्वास्त जो है वो इस तरह न सिविल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं आई, उस हवाले से क्या प्लान? उनकी जितने भी सांबा के केसेस में वो तो बेल हो गई है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अब उनका सिर्फ नैप की बेल है क्योंकि जज साहब जो हैं वो कल नोटिफाई हुए हैं, दोबारा नए जज आए हैं, पुराने जज साहब रिटायर और छुट्टी पर चले गए हैं, तो उसकी वजह से कल उनकी पेशी थी जिस वजह से उनकी बेल हर्ड नहीं हो सकी। अब उनकी तारीख जो है 26 उन्होंने रख ली है इस मंथ की, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस जो नए जज साहब आए हैं वो अब हमारी बेल सुनेंगे और अब देखते हैं फिर क्या फैसला। अच्छा ये भी उनको आउट करने का एक जो प्लान था वो हो गया, वो इलेक्शन से आउट रहे, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी छोड़ दिया था और फिर IPP में भी उन्होंने बाकायदा कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की, आपकी मुलाकात होती रहती है, तो फवाद साहब जेल के बाद आते हुए अपनी सियासी मुस्तकबिल का क्या ऐलान करेंगे, क्या कुछ डिस्कस हुआ इस तरह का? नहीं अभी तो आपको पता है, मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि जिस माहौल में हमारी 20 मिनट की मीटिंग कराई जाती है उसके अंदर मैं कोई उनसे ऑर्डर नहीं शेयर कर पा रही होती हूँ, किसी किस्म का आप समझ रहे हैं कि मैंने कोई उनको कोई मैसेज देना है तो आई एम नॉट एबल टू पास एनी पेपर और डॉक्यूमेंट टू माय हस्बैंड, तो क्योंकि हमें कुछ भी ले जाने की इजाज़त ही नहीं होती, ना मैं उनसे नोट्स ले सकती हूँ ना वो मुझे किसी किस्म के नोट्स दे सकते हैं, तो इसीलिए हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से रब्ता किया है कि हमें एटलीस्ट इतना राइट दिया जाए कि अगर वो कोई अपना अंडर ट्रायल प्रिजनर अगर कोई अपना पैगाम देना चाहता है या कोई अपनी रसाई करना चाहता है, बिकॉज़ आई एम द ओनली पर्सन जो कि उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, तो वो हमें अलाउ किया जाए। और रह गई सियासत की बात, ज़ाहिर है फवाद साहब का सियासत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जैसे कि आप सब ने देखा है, और जब वो आएंगे उनको टाइम दीजिए थोड़ा सा हील करने का, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 मंथ्स नाउ ही इज़ इन द कस्टडी, कोई छोटी बात नहीं है कि 5 महीने से वो कस्टडी में है, लोग जो भी कहते रहे कि PTI छोड़ दी, नहीं है, साथ हैं, जो भी है, लेकिन ही सफ़र्ड अलॉट, मेरे और मेरे बच्चों ने बहुत सफ़र किया है इस पूरे जर्नी में, क्योंकि कोई आसान बात नहीं होती इस औरत के लिए अकेले लड़ना, आना, पिटिशन करना, हर चीज़ देखना, जबकि आपको पता हो कि चीज़ें उस तरीके से आपको फैसिलिटेट नहीं की जा रही हैं, तो लेट्स सी जब वो आते हैं रिहा होते हैं, अभी हम मेरी कोशिश ये है कि हम उनको किसी तरीके से इंशाल्लाह रिलीज़ कराएं, और जो भी हमारे ट्रायल्स हैं, हम जहाँ पे भी हमारे चलान जमा है, हम इसी मुल्क में, हम कोई मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, ना हम भाग रहे हैं, ना हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, हम यहीं पर रह के अपने केसेस का भी सामना करेंगे और हम जो भी हमें ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बुलाते हैं हम आएंगे भी वहाँ पे, तो लेट्स सी सियासत में उनका रोल क्या होता है जब वो आएंगे। अच्छा तो। आखिरी सवाल करके आप अपने हस्बैंड के साथ मुश्किल वक्त में लड़ी, फवाद साहब के ऊपर जो विक्टिमाइजेशन था या जो मुश्किल वक्त था वो ज़ाहिर है एक सियासी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में होता है उसका एक हिस्सा है, फवाद साहब के आने के बाद और उनकी जो उन्होंने कुछ खोया पाया जो भी है, जो हील करने का जो टाइम होगा उसके बाद आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ पार्टनर पॉलिटिकल करियर के लिए? ज़ाहिर है अब सियासत तो देखें उनके ब्लड जमात के साथ, जमात अभी देखें मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी, अभी तो हमेरा एज अ सिटीज़न यही फोकस है कि जी जिसने भी हुकूमत बनानी है आखिरी हफ्ता है उसको बनाइए, पाकिस्तान को निकालिए इस बहरान में से, इकॉनमी बेहतर करिए,
ये मैटर बड़ा है, अब छोटे रह गए हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जी अब वो आ जाए या ये आ जाए, अभी आप पाकिस्तान को निकालें, IMF आना है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट नीड्स टू कम अप नाउ। तो बेसिकली हमें पाकिस्तान की इकॉनमी अभी बेहतर करनी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, या एनी अदर पार्टी, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, पीपल्स पार्टी है या PTI है जो अब्जाम हो गई है। तो मेरी उन सबको यही है कि प्लीज़ पाकिस्तान को संभालें, पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं।